इस वक्त मैं फतेहाबाद रोड स्थित होटल गंगा रतन में हूं। आपको बता दें कि इस समय आगरा मेनोपॉज सोसाइटी के माध्यम से हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें नॉन मेडिकोज महिलाएं, तमाम महिलाएं आई हुई हैं। किस तरीके से अपने समाज को स्वस्थ बनाना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट देने चाहिए। मेरे साथ में इस समय डॉक्टर आरती मनोज शर्मा मौजूद हैं, जिनका एक वक्तव्य रहा है एक पूरा मी एंड ओनली मी। मैम, क्या शो रहा आपका, किस तरह का? एक्चुअली ये जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, तो इसमें हमारा मेन मोटो ये रहता है कि हमने जिन महिलाओं को, जो कि डॉक्टर नहीं है और जिनको हमने इकट्ठा किया है, तो हम उन्हें हेल्थ के बारे में बता सकें। आमतौर पर क्या होता है कि हमारे समाज की महिलाओं के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उनके सास ससुर पड़ोसी या उनके फ्रेंड सर्कल से होती है, और आमतौर पर उन्हें जो राय देने वाले लोग होते हैं वो एजुकेटेड भी नहीं होते। एट टाइम्स तो कोई 8वीं क्लास पास है, कोई 10वीं क्लास पास है, जैसे कि मेडिकल साइंस का ABCD नहीं आता, वो उन लोगों के एडवाइज़र होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम पेशेंट को कोई बात बताते हैं उस समय तो पेशेंट हमारी बात समझता है, लेकिन जब वो घर जाता है और घर जाके उनके अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाले जो उनसे कहते हैं, तो पेशेंट के दिमाग से वो बात निकल जाती है जो डॉक्टर ने उन्हें बताई होती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि मरीज़ हमारा कन्फ्यूज हो जाता है और उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए वो कई बार वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता ही नहीं, और जिस स्टेज पर मरीज़ का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए उस जगह नहीं होता, या कई बार ट्रीटमेंट गलत हो जाता है, किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास हो जाता है। तो इन सारी मिथ्स को दूर करने के लिए, लोगों को ये समझाने के लिए कि आपको ज़िंदगी में जो जो परेशानियां हो रही हैं उनमें आप जो अपने आसपास से जो राय ले रहे हैं उसको ना लेके, हमारी कोशिश ये होती है डायरेक्ट हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में कोई मिथ जड़ ना जमाए। हमारे समाज में जो जितनी भी मिथ फैली हुई हैं, कुछ तो सही भी हैं लेकिन काफ़ी ख़राब भी हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है या जानकारी नहीं है, उसके अभाव में मिथ फैली हुई है। हाँ जी, इसका ये तो है ही कि हमारे समाज में जागरूकता हेल्थ को लेके बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप आए दिन ख़राब होता जा रहा है। क्यों ख़राब होता जा रहा है? हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए सभी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि हमारे मीडिया को, हमारे पॉलिटिकल फिगर्स को, दे शुड गिव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। जो सच है उसको सच बोलें, जो गलत है उसे गलत बोलें। मैं नहीं कह रही कि वो गलत को सच बोलें या सच को गलत बोलें, बनावटी बातों को भी सच बनाया जाता है। लोग क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए मीडिया को मिसयूज़ करते हैं, लोगों को मिसयूज़ करते हैं। कोई भी यदि पेशेंट उनके पास पहुंच गया, उन्होंने जो भी नेता से बोल दिया वो उसको सच मान लेते हैं, बिना ये समझे हुए कि वास्तव में सच क्या है। कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज को 100% नहीं बचा सकता। हर डॉक्टर है तो उसके यहाँ कोई ना कोई कैजुअल्टी होगी, लेकिन यदि जो हालात आजकल सोसाइटी में हैं और यही रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर जिसे पैसा नहीं चाहिए वो इस तरह की प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहेगा। वातावरण इस तरह का बन गया है कुछ, तो इसमें सुधार क्या हो सकता है, कैसे सुधार? सर, इसके सुधार के लिए मुझे एक काम तो मैं कर ही रही हूँ, पब्लिक अवेयरनेस जो मेरे हाथ में है, विच आई कैन डू। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता मीडिया मेरी बात कितनी समझेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ओवरऑल मुझे ये लगता है कि सब जगह डिटेरियोरेशन। सकारात्मक दिशा में जो लोग काम करने वाले हैं वो समझेंगे आपकी बात को, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं वो नहीं समझेंगे, हो सकता है कि वो उनका काम। मुझे सर बहुत अच्छा लगेगा कि आई एम गोइंग टू बी द चेयरपर्सन फॉर द 2 ईयर्स पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। मैं नेशनल चेयरपर्सन हूँ इंडियन मेनोपॉजल सोसाइटी की। नहीं, इंडियन मेनोपॉजल सोसाइटी में तो करीब 3,500 मेंबर्स की टीम जो है, आगरा की टीम में अप्रोक्सीमेटली 105-110 मेंबर्स हैं इंडियन मेनोपॉजल। ये तो जो ग्रुप है इंडियन मेनोपॉजल सोसाइटी का, इसमें सारे स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, डाइटिशियंस हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो इससे मिक्स्ड ग्रुप। तो जो जैसे नॉन मेडिकोज की बात की जाए वो कितनी टीम का? नॉन मेडिकोज में हमारे पास वी आर हैविंग ए क्लब 35 ग्रुप, और क्लब 35 के आई एम गोइंग टू मेक द मोर ब्रांचेस, जैसे कि एक मैंने ये शुरू करी है अदर देन क्लब 35, वो एक हमारे पास ग्रुप अलग से है जो जिसमें करीब 120 के करीब मेंबर्स एट प्रेजेंट हैं। इसमें भी आज की तारीख में 130 मेंबर हैं जो हमने अभी नया ग्रुप शुरू किया है, एंड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट द ग्रुप ऑल ओवर द आगरा, ऑल द पेरीफरी, इवन एट सिकंदरा, कमला नगर, इधर इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ द, तो चारों कोने में कवर करने का मेरा मन है। इवन आई वांट टू कवर द पेरिफेरी आल्सो, धौलपुर, एतमादपुर, फिरोजाबाद, तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट। तो यदि मुझे कोई बंदा ऐसा मिलेगा कि यदि हमारी सकारात्मकता को आगे बढ़ाए,
आई विल बी मोर देन हैप्पी। हमारा अर्थ न्यूज हमेशा आपके साथ रहेगा, अर्थ न्यूज जैसे और भी चैनल हैं वो जुड़े हैं आपसे, हम तो यही तो बेसिकली मेरा पर्पज़ इसमें यही है कि लोगों को डायरेक्ट डॉक्टर के मुंह से ये पता लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखना चाहिए, कब कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बच्चेदानी क्यों नहीं निकलवानी चाहिए, रसौली का मतलब बच्चेदानी निकलना नहीं है, छोटी सी गांठ अंडाशय में हो गई है इसका मतलब भी बच्चेदानी निकलना नहीं है, सफ़ेद पानी की दिक्कत है इसका मतलब भी बच्चेदानी निकलना नहीं है। इन सब चीज़ों के इलाज आजकल अवेलेबल है। इवन आपको महीने में सिर्फ एक बार हैवी ब्लीडिंग हो गई इसलिए आप बच्चेदानी निकलवा दें, ये भी सही नहीं है। तो हर चीज़ का इलाज आजकल है, हैवी ब्लीडिंग्स के भी इलाज हैं। तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मेरा ये होगा कि बच्चेदानी निकलवाने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि बच्चेदानी निकलवाने के बाद बहुत सी बीमारियां आपको घेरती हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, आपको दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप ये मान के चलिए मीनोपॉज से पहले पुरुष में और महिलाओं में हार्ट अटैक की इंसिडेंट बराबर है, लेकिन मीनोपॉज के बाद क्योंकि जो हार्मोन एस्ट्रोजन एक हमारी बॉडी में होता है जो कम हो जाता है, तो महिलाओं में हार्ट अटैक की इंसिडेंस मेल से दुगनी है। इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, हड्डियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लें क्योंकि उसके लिए भी वो हार्मोन बहुत ज़रूरी है जो बच्चेदानी बनाता है एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। तो अल्टीमेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेज इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो हम स्वास्थ्य में तो नुकसान उठाएंगे ही उठाएंगे। ये सोचने की ज़रूरत है। शुक्रिया मैम पूरी जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। मेरे साथ में इस वक्त आपको बता दें कि वाटर प्यूरीफायर पर आपका एक पूरा मैसेज है और प्रेम पाल हैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे वाटर प्यूरीफायर? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि दिस इज नॉट वाटर प्यूरीफायर, दिस इज आयोनाइज्ड वाटर। ये जापान की कंपनी है और लगभग हम पिछले 1.5 साल से वाटर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, बिकॉज आज पिछले 10 साल से 15 साल से सर बहुत तेज़ी से बीमारियां डेवलप हुई हैं। हम खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इवन यहां तक हम एक्सरसाइज पर भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि यदि देखा जाए तो बॉडी का 70% हिस्सा हमारा पानी होता है सर, और पानी के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जैसे कि हमने पिछले कुछ घरों के सैंपल्स लिए, हॉस्पिटल्सों के सैंपल्स लिए, बड़े बड़े कैंपस के सैंपल्स लिए, तो वहाँ पर सब लोग केवल TDS जानते हैं सर, और TDS को ठीक कर लेना केवल हमारा पानी ठीक नहीं हो जाता है। तो हमने यहाँ तक कि देखा कि TDS जितना होना चाहिए इतना भी नहीं पाया, जबकि पानी में बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर मानक की बात की जाए, प्रॉपर मानक कौन बता पाएगा, कौन समझा सकता है एक आम व्यक्ति को? आम जनमानस को नहीं मालूम है, वो आज भी वही हैंडपम्प का, जेट पम्प का या समर का पानी पी रहा है, लेकिन जहाँ शहर में आता है तो परिवर्तन होता है, लेकिन शहर में भी आप नल के पानी को पी रहे हैं, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कौन दे सकता है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर एक प्रॉपरली वाटर का एक डेमोस्ट्रेशन होता है, वाटर की एक प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम TDS से लेकर के ORP, ORP मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, पानी हमारा सड़ा हुआ है या ताज़ा है वो भी हम टेस्ट करके दिखाते हैं लैब। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट pH वैल्यू, जो कि हम पानी की कभी टेस्ट ही नहीं कर सकते, वो भी हम pH वैल्यू भी हम दिखाते हैं लोगों को टेस्ट करके, और माइक्रो क्लस्टरिंग, यानी कि हमारा पानी बहुत मोटा है, मॉलिक्यूल्स बहुत भारी हैं या बहुत लाइट है। तो जैसे कि 4 टाइप्स ऑफ वाटर आपको यहाँ पर दिखेंगे, फर्स्ट वाटर डर्टी वाटर, जो गंदा पानी होता है जो दिखने से पता चल जाता है, दूसरा क्लीन वाटर जो रॉ से मिलता है हमें लाइक जैसे कुआं, समर, ट्यूबवेल या बहता हुआ पानी, और एक तीसरा वाटर है डेड वाटर। डेड वाटर मीन्स क्लीन वाटर, जितने भी रिवर्स ऑस्मोसिस RO का जो पानी होता है सर, वो इज ए डेड वाटर, या बोतल वाला पानी, बिस्लेरी, एक्वाफिना, केनले, बेली, बेदका, ये सब डेड वाटर काउंट होते हैं। एक सर फोर्थ वाटर और है मिरेकल वाटर, ये सर नेचर से हमें मिलता है, जो दुनिया भर में ऐसे 9 स्रोत हैं, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में देखें तो गंगोत्री हिमालय से निकलने वाला ताज़ा ताज़ा गंगा जी का जल, सेम आपका चश्मा शाही श्रीनगर, एक हमारे जो हिंदू मुस्लिम हैं जो मक्का मदीना में जाते हैं जमजम वाटर है, ऐसे फ्रांस, एक जर्मनी, ऐसे 9 स्रोत हैं सर। वो चीज़ें आप देखेंगे तो उनमें 3 प्रॉपर्टी खास हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंटीऑक्सीडेंट है, सेकंड थिंग्स वो pH वैल्यू बहुत अच्छी है, क्षारीय है, और थर्ड वो माइक्रोक्रशन बहुत लाइट वाटर है। तो यही पद्धति के ऊपर हमने एक चीज़ देखी जो जापान से एक टेक्नोलॉजी आज से 45 साल पहले, ये जापान की टेक्नोलॉजी अब इनर्जी कंपनी है जिस पर हम पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हमें हिमालय वाटर में मिलती है सेम वही प्रॉपर्टी एक आयोनाइज्ड वाटर, ये जापान की कंपनी है,
और ये आपके उस डेड वाटर को इसे प्रोसेस करके उसमें से जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे कि लेड, मरकरी, आर्सेनिक, फ्लोराइड, इसको वो एक साइड में कर देता है और पानी के अंदर जो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, जिंक जो हमारे लिए इम्प्योरिटीज हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको ये हमारे पानी में देता है। तो हमने ये पिछले लगभग 1.5 साल से इस पर काम कर रहे हैं। लॉट ऑफ फैमिलियों को हमने क्योर किया है। बहुत सारे लोग अपनी बहुत लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त थे, तो इस पानी को हमने इवन यहाँ तक के लोगों की ज़िंदगी में हम फ्री में भी पानी पहुँचा रहे हैं। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से आने के बाद पानी लेकर के भी जा सकता है। तो हम समाज को सुधारने के लिए, समाज को वैल्यूबल करने के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें आप कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर है, आप अपना वाटर टेस्ट करा सकते हैं 7088338946। से अगेन 7088338946। अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वाटर टेस्ट करा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम आगरा को बहुत जल्दी बीमारियों से मुक्त कर पाएँ और पानी के ऊपर हमने एक बहुत तेज़ी से मुहिम स्टार्ट की हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मीडिया के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं। थैंक यू सो मच। मेरे साथ में रिटायर्ड इंडियन आर्मी प्रेमपाल सिंह थे और दूसरा आरती मनोज शर्मा थी। आपको बता दें कि आगरा मेनोपॉज सोसाइटी द्वारा एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ये आयोजित किया गया है, लोगों को किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सकता है, स्वस्थ रहने के यहाँ से टिप्स दिए गए हैं। नॉन मेडिकोज तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उनके माध्यम से ये जगह जगह लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि इस टीम के माध्यम से लोग कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से बचेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।